ये हमने मटन के पीस ले लिए रोगन जोश के बनाने के लिए, साइज इतना होना चाहिए, देख लीजिए आप, मीडियम साइज होना चाहिए। अब इसको ना ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, रिफाइंड या मस्टर्ड ऑयल, जिसमें आपको सही लगे। हमने फ्राई किया है इसको ये रिफाइंड ऑयल में, थोड़ा इसको शेल्लो फ्राई होने तक, शेल्लो कलर आना चाहिए, येलो येलो, थोड़ा गोल्डन कलर आना चाहिए थोड़ा इसमें, तब तक इसको फ्राई करें। ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना इसको, बस थोड़ा हल्का फ्राई होने तक इसको फ्राई करें। थोड़ा कलर चेंज होने लगा इसमें, ये सीजनिंग में चल रहा है। इसको फ्राई करने से ठीक रहता है, मतलब वो अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है वो सब हट जाता है इसमें से। थोड़ा गोल्डन फ्राई हो गया ये। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। पहले लेते तेज पत्ता, हरी इलायची, जीरा, लौंग और बड़ी इलायची। तेल में अलग से इसको रोस्ट कर लेंगे हम। मसाले सब खड़े मसाले मिक्स करके अच्छे से इसमें डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 4 चम्मच, उसको हिला लो, हल्का सा हल्दी डाल के हम गैस चालू कर देते हैं। हम उसको अच्छे से भून लें, जब इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल होने लगे, ये ध्यान रखना कि मिर्ची आपकी मिर्ची ना जले। अगर एक बार मिर्ची जल गई तो टेस्ट नहीं आएगा और कड़वा बन आता उसे। थोड़ा सही रहता है इसे, कलर भी अच्छा आता है इसे। इसमें थोड़ा हम डाल लेंगे हींग का पानी। हो गया अभी ये मिर्ची अपना कलर छोड़ रही है। अब हमने इसमें डाल दिया हींग का पानी और इसमें डाल देंगे हम दही। दही ऐड करने से क्या होता है ना, दही ऐड करने से कलर अच्छा निकलता है। थोड़ा पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं कि मिर्ची जले ना। हमने दही डाल दिया अभी था, दही डालने से देखो कैसा कलर निकाल लेगा। अब थोड़ा पानी ऐड कर दो कि मिर्ची जो है ना वो अच्छे से पक जाए। अब हल्का बॉईल आने पे ऑयल आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा मटन ऐड कर देते हैं। अब हमने इसमें जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है, पानी डाल देंगे। ये हमारे पास है अभी 2 किलो मटन, उसमें करीब 1 जग पानी डाल दें, इससे बॉईल होता रहे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल दें, मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है, 2 किलो में 1 चम्मच, बाकी थोड़ा बाद में और डाल देंगे। हम इसमें फ्राई करने में भी थोड़ा नमक डालते हैं इसमें। अब ऊपर से मसाले डाल देते हैं। ये है सौंफ पाउडर,
तीन चार चम्मच सौंफ पाउडर, काली मिर्च पाउडर और बड़ी इलायची पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर डाल देंगे। थोड़ी डाल देंगे कस्तूरी मिर्ची। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। मिर्ची अपना कलर छोड़ रही है अच्छे से। अब थोड़ी देर के बाद देखें हम तो मटन हल्का हल्का गलने लगा है। मैं चेक करवा देता हूँ आपको कैसा हो गया। अभी ये कम से कम इसको आधा घंटा उबलने देना है। उबलने के बाद जब ये मटन में से तेल छोड़ देगा ना, तो समझ लो आपको मटन अच्छे से पक चुका है पूरे बढ़िया तरीके से। आप देखो कैसा लग रहा है ये पकने के बाद। इस टाइम हमारा मटन ये रेडी हो चुका है, मटन रोगन जोश। और रोगन देखिए क्या अच्छा लग रहा है इसके ऊपर, एकदम बढ़िया। एकदम अच्छा कलर आया इसके ऊपर। ये रेडी हो गया हमारा, ऑर्डर देना हमको, ऑर्डर के लिए रेडी है ये। एकदम बढ़िया कलर है। और टेस्ट भी बहुत अच्छा।